दोस्तों आप में से कई लोगों ने मुझसे एक कॉमन सवाल पूछा है कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करता हूँ या स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ क्योंकि अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करें एज अ ऑफिस वर्क बिहार पे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है क्योंकि कई बार क्या है कि अगर आप अपने जूनियर को जूम मीटिंग पे कुछ समझा रहे हैं कुछ ट्यूटोरियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज करते हैं या फिर मान लो कि हम क्लाइंट को कस्टमर को या फिर अपने सीनियर को कोई प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब भी हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ती है साथ ही अगर इस वीडियो की मैं बात करूं तो इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करनी है इसके साथ ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम में हमें काफी सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है जैसे हाईलाइटिंग के लिए या फिर मार्केशन के लिए जैसे एरो साइंस रेक्टेंगल्स इसके अलावा भी काफी कुछ हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जरूरत पड़ती है तो आज के इस वीडियो में मैं ये सारी चीजें आपको सिंपल वे में क्लियर करने वाला हूँ श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो आपके लिए

ऑफिस वर्क में आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और डेमो क्रिएटर भी उन्हीं में से एक प्रोडक्ट है तो सिंपली यहाँ पे हम वंडर शेयर डेमो क्रिएटर पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि कैप्चर एवरी डिटेल्स क्राफ्ट प्रोफेशनल वीडियोस और इससे रिलेटेड इनके सॉफ्टवेयर में क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं उन सबका एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको सिंपली यहाँ पे आना है और फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देना है जैसे मैं फ्री डाउनलोड पे क्लिक करूंगा आप देखोगे यहाँ पे मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है और बेसिकली यहाँ पे आ रहा है डाउनलोडिंग इंस्टॉलिंग डेमो क्रिएटर इज इजी मतलब इजी वे में हमने इसे डाउनलोड कर लिया अब इसके बाद सिंपली आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है और जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे तो कुछ इस तरीके से जो इसका आइकन है वो आपके डेस्कटॉप पे आ जाता है इसके बाद हम यहाँ पे डबल टैप करते हैं और डेमो क्रिएटर को हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सिंपली जब हम डबल टैप करते हैं तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन हमारे सामने आ जाती है जहां पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि अगर आपको न्यू रिकॉर्डिंग करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करो अगर आपको वीडियो एडिटर यूज करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे इसके अलावा वर्चुअल अवतार रिकॉर्डिंग बेसिकली आपने देखा है ना कि सबका एक एनिमे टाइप का अवतार टाइप का बन जाता है उस टाइप से भी अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो आप कर सकते हो वीडियो प्रेजेंटेशन के लिए हम जा सकते हैं गेम रिकॉर्डर भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो डिफरेंट ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं सिंपली हमें यहाँ पे न्यू रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है क्योंकि हम यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना सीख रहे हैं अब यहाँ पे इन पॉइंट को समझते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है जोन कैप्चर मतलब जो हमारा डायमेंशन है स्क्रीन का डायमेंशन है वो कितना है बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 1600 हंड्रेड इंटू का एक डायमेंशन है जो कि मेरे स्क्रीन का डायमेंशन है इसी की जगह अगर मान लो कि मैं एच डी डायमेंशन सेलेक्ट करता हूँ तो ये डायमेंशन आ जाएगा कुछ इस तरीके से तो फिलहाल हम फुल स्क्रीन चूज कर लेते हैं ताकि पूरी स्क्रीन यहाँ पे कैप्चर हो इसके साथ ही यहाँ पे सिस्टम ऑडियो भी क्या आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा हाँ मुझे सिस्टम ऑडियो भी रिकॉर्ड करना है तो मैं यहाँ पे इसे ऑन रख दूंगा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नन हो जाएगा यानी कि सिस्टम में जो ऑडियो है जैसे मैं माउस प्ले कर रहा हूँ या फिर मैं कोई और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जिसकी आवाज आ रही है यहाँ पे सिस्टम में वो रिकॉर्ड नहीं होगी तो मैं इसे प्ले कर देता हूँ ताकि सिस्टम की भी ऑडियो यहाँ पे रिकॉर्ड हो इसके साथ ही मैं माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे माइक्रोफोन मुझे यहाँ पे शो कर रहा है और कौन से माइक से आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसका भी ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिखा रहा है इसके साथ ही अगर मैंने यहाँ पे वैपकैम लगाया होता हालांकि मैं यहाँ पे वैबकैम यूज नहीं कर रहा हूँ तो अगर मैंने यहाँ पे लगा रखा है तो ये वैपकैम का भी ऑप्शन मुझे मिल जाएगा जो की जूम मीटिंग में स्पेशली काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है तो यहाँ पे आपको वैबकैम का भी ऑप्शन मिल जाता है इतना करने के बाद हम सिंपली यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे और ये मुझे बता रहा है कि जब भी आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप करना हो तो आप F10 की प्रेस करें अब सिंपली यहाँ पे देखो मेरे सामने आ जाती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग मान लो मैं आपको कुछ भी यहाँ पे समझा रहा हूँ जिसमें आपसे बोल रहा हूँ कि आपको नया फोल्डर बनाना है अब कैसे बनाओगे तो मैंने बोला है कि आप यहाँ पे आओगे कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करोगे एन करोगे और आपका जो नया फोल्डर है वो यहाँ क्रिएट हो जाएगा अब यहाँ पे देखो जब हम मीटिंग में होते हैं या फिर जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर मान लो कि अपने जूनियर को कुछ पढ़ा रहे हैं तो उस केस में हमें अलग अलग टूल्स की जरूरत पड़ती है फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखोगे कि ये रिकॉर्डर में आपको बहुत सारे टूल्स मिले हुए हैं जैसे कि एक सबसे पहला ऑप्शन मिला आपको पेन का तो मैं यहाँ पे पेन चूज कर लेता हूँ मुझे कुछ भी शो करना है जैसे मुझे शो करना है कि हमने ये वाला फोल्डर पे क्रिएट किया तो इस तरीके से मैं मार्क कर सकता हूं या मान लो मैं पॉइंट बता रहा हूं कि अगर आपको शॉर्टकट में फोल्डर बनाना है तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट इस तरीके से आप देखोगे कि मैं यहाँ पे यूज कर पा रहा हूं शिफ्ट प्लस एन इस तरह से मैंने यहाँ पे शो किया आई नो कि मेरी राइटिंग काफी खराब है यहाँ पे माउस के पे बट आई होप कि आप इसे समझ पा रहे होंगे इसके साथ ही अगर हम हाईलाइटर की बात करें तो आपको का भी ऑप्शन पे मिल जाता है जहां पे आप इस इस तरीके से से कर सकते हो मान लो किसी पॉइंट को मुझे इस तरह हाईलाइट करना है तो वो भी मैं कर पा रहा हूं। और वो भी आप देखोगे कि किसी भी स्क्रीन पे नहीं है कोई एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे किसी भी स्क्रीन पे हम इन टूल्स का यूज कर पा रहे हैं साथ ही यहां पे अगर आपको कोई टैक्स देना है जैसे मान लो कि मैंने लिखा मेरी राइटिंग सही नहीं है और मुझे टेक्स देना है तो मैं यहाँ पे टैक्स ले सकता हूँ तो मान लो मैंने टेक्स ले लिया और यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इस तरीके से मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया और सिंपली आप पर स्केप की प्रेस कर देंगे और आप देखोगे कि ये जो कंट्रोल शिफ्ट एन है वो मैंने यहां पे लिख दिया इसके बाद अगर इसी तरीके से मान लो मुझे रेक्टेंगुलर वही पे शो करना है या फिर यहां पे सर्कल भी आप पे शो करना है तो वो चीजें भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ जो भी कलर लेना है ले लिया और इस तरीके से मैं यहाँ पे सर्कल में रेक्टेंगल में इन्हें शो कर सकता हूँ साथ ही यहाँ पे एरो सिंबल्स मिलते हैं आपको जैसे मान लो मुझे इस तरह से शो करना है कि हमने ये काम किया है

क्लियर ड्रॉइंग का तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे और ये इस तरीके से क्लियर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे अंडू का ऑप्शन मिलता है आपको रेडो का ऑप्शन मिलता है जो भी यूज आप कर सकते हो मान लो पहले जैसे करना है तो हमने अंडू कर दिया इससे भी पहले जैसे करना है ये हो गया तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं रेडो यूज करना है तो हम रेडो यूज कर पा रहे हैं यहाँ पे अब इतना कुछ हमने किया इसके बिहार पे हम चीजों को एनालाइज करते हैं तो मैं यहाँ पे आता हूं मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंपली स्टॉप रिकॉर्डिंग या फिर अगर मैं की से एफ की प्रेस करूंगा तो भी ये काम हो जाएगा तो मैं मैनुअल कर देता हूं मैंने यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया अब जब आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हो और मान लो कि मुझे इसमें से कुछ पार्ट को हटाना है जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे आया और ये जो स्टार्टिंग का कुछ पार्ट है ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा इस तरह से और यहाँ पे मैं स्प्लिट कर दूंगा और इन दोनों पार्ट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके सिंपली डिलीट की को प्रेस करूंगा जिससे वो वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा फिर इसे पकड़ के हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है आपका माइक्रोफोन यानी कि जो हम ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये वाला जो हमारा पार्ट है वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो दोनों काफी पसंद आएगा। दे आपको जैसे अभी अगर आप ऑडियो सुनो या फिर जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर मान लो कि अपने जूनियर को कुछ अब आप देख रहे हो ये जो मेरी ऑडियो है ये नॉर्मल है लेकिन इसी के साथ अगर मैं चाहूं तो इस ऑडियो में काफी चेंजेस कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डबल टैप किया इस पर और डबल टैप करने पे ऑडियो से रिलेटेड मुझे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकता हूं यहाँ पे या इसके अलावा जो इसका मुझे सबसे अमेजिंग फीचर लगा वो ये है कि मैं अपनी वॉइस को रोबोट में ट्रांसफॉर्मर में चाइल्ड में चेंज कर सकता हूँ एग्जाम्पल के लिए जैसे चाइल्ड चूज करते हुए यहाँ पे और अब आप वॉइस को सुनना या इसकी कर रहे या कि काफी फनी लग रहा होगा

तो प्रॉपर यहां पर रोबोट वाली जो वाइव है वो यहाँ पे आ जाती है सो डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और इसके बाद आपको सिंपली ये करना है कि कोई भी पार्ट अगर आपको यहां से रिमूव करना है तो आप यहाँ रिमूव कर सकते हो जैसे मान लो ये वाला पार्ट मुझे हटाना है मैंने इसको सेलेक्ट किया यहां से ट्रिम कर दिया फिर यहां पे मैंने सेलेक्ट किया दोबारा से और ये वाला जो स्प्लिट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करके इस तरीके से हमने सेलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस करेंगे फिर यहां पे इन दोनों को पकड़ के यहां पे ले आते हैं हम कुछ इस तरीके से तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से एडिट कर सकते हो ट्रिमिंग भी पे बहुत ही ज्यादा इजी है प्लस में जो इसका ऑडियो फिल्टर है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है इसके बाद सिंपली आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और जो भी ये वीडियो आपने क्रिएट किया है इसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और एक्सपोर्ट हम किस में कर सकते हैं एम फोर में कर सकते हैं एवीआई फॉर्मेट अलग अलग फॉर्मेट्स में हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो सिंपली हम यहाँ पे ये फॉर्मेट डालेंगे प्रोजेक्ट का नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया कि माई फर्स्ट फाइल इस तरीके से जो भी प्रोजेक्ट नाम डालना है वो मैंने डाल दिया और किस लोकेशन पे मैं इसे सेव करना चाहता हूं वो लोकेशन में like क्लिक कर देना है और मैं जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा आप देखोगे काफी कम टाइम लेगा यहाँ पे और जो ये मेरी फाइल है इसको ये एक्सपोर्ट करके दे देगा सो so नॉर्मली यहाँ पे हमारी फाइल एक्सपोर्ट हो गई है और यहाँ पे डन लिख के आ गया है अब यहाँ पे सिंपली मैंने डेस्कटॉप पे इसको एक्सपोर्ट किया है तो मैं विंडो डी करता हूँ ये सब मिनिमाइज हो जाएगा और हम डेस्कटॉप पे चेक करते हैं कि जो हमारी फाइल है वो यहाँ पे है या नहीं है तो आप देखो कि यहाँ पे माय फर्स्ट फाइल करके जो हमारी फाइल यहाँ पे शो कर रहा है मैं डबल टैप करके इसे ओपन करके आपको शो करता हूं तो आप देखो कि प्रॉपर एक एम पी फोर फाइल और जितनी चीजें हमने इसमें की थी वो सारी चीजें मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसे भगाने की कोशिश करता हूँ तो आप देखोगे कंट्रोल शिफ्ट एन वगैरह और जितने भी टूल्स वगैरह मैंने यूज किए वो सारी मुझे यहां पे शो कर रहा है। और कि रिकॉर्ड भी, भी किया और इसके टूल्स का बेनिफिट उठाना है तो ये सब कुछ आई होप कि आपको कवर अप हो गया होगा आशा करता हूं दोस्तों वे डेमोक्रेटर के बारे में जान के आपको अच्छा लगा लग हो होगा साथ ही इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना कितना ज्यादा इजी है और इसके टूल्स को यूज करना कितना इजी है ये आपको क्लियर हुआ होगा इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया जहां पे क्लिक करके आप इसके वेबसाइट पर एक्सेस हो सकते हो और इसे सिंपल वे में वहां से डाउनलोड कर सकते हो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू